हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पहाड़ी रसोई में। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ऑयस्टर मशरूम की सब्ज़ी। ये एक बहुत ही फेमस रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो इस तरह है। जीरा पाउडर एक छोटी चम्मच, धनिया पाउडर डेढ़ छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डेढ़ छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर एक छोटी चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार। फ्राई करने के लिए ऑयल या घी ले सकते हैं, मैंने दो बड़े चम्मच लिए हैं। गरम मसाला पाउडर ये ऑप्शनल है एक छोटी चम्मच, और हींग ये भी ऑप्शनल है, मैंने एक छोटा टुकड़ा ले लिया है। इसके बाद लहसुन की कलियां 5 से 6 और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, और उसके बाद प्याज ये मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके रख लिया है, ये एक मीडियम साइज़ का है। और ऑयस्टर मशरूम ये मैंने 300 ग्राम्स लिए हैं और इन्हें मैंने इस तरह से काट के रख लिया है। आइए अब आगे की रेसिपी शुरू करें। ऑयस्टर मशरूम बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल के उसे गर्म कर लिया है, और अब मैं इसमें ऑयस्टर मशरूम को डाल के सॉटे करूँगी। मुझे इसे फ्राई नहीं करना है, सिंपल थोड़ा सा सॉटे करना है। अब इसे आराम आराम से हिला दें। यूजली मशरूम्स में बहुत पानी रहता है, तो अभी ये जो ऑयस्टर मशरूम्स हैं इन्होंने भी पानी छोड़ दिया है। जब तक ये पानी सूखेगा मुझे तब तक इन्हें सॉटे करना है। अब इसे कुक होते हुए कम से कम 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, और देखिए इसका पानी पूरा सूख चुका है। अब मैं इसमें जो मैंने प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो डाल के इसे हिलाऊंगी, और मुझे तब तक इसे हिलाना है जब तक अनियन का भी पानी सूख ना जाए। अनियन पेस्ट डालने के बाद मैंने इसे कम से कम 5 से 10 मिनट रखा। अब देखिए अनियन पेस्ट ने भी ऑयल छोड़ दिया है, इसका मतलब वो पूरा पक चुका है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो डालूंगी। इस पेस्ट में मैंने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, थोड़ा सा नमक डाल के इसे रख लिया था, अब मैं इसमें वो डाल रही हूँ। अब मुझे इसे अच्छे से मिलाना है और तब तक पकाना है जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे। लहसुन अदरक के पेस्ट को पकाने के लिए मैं इसमें 1/2 कप जो है वो पानी डाल रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसे कम से कम 10 मिनट तक पकाया, और अब देखिए इसमें तेल छूट गया है, इसका मतलब मेरी जो रेसिपी है वो रेडी हो गई है। ये एक बहुत ही ईजी और टेस्टी रेसिपी है जिसे आप बटर नान, रोटी या चावल के साथ कभी भी खा सकते हैं, और इसके लिए मैं श्योर हूँ कि अगर आप ये रेसिपी एक बार बनाएंगे तो 100% मटन का स्वाद भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये डिश अच्छी लगी हो तो लाइक माय डिश एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।